नमस्कार दोस्तों, भारत की राजव्यवस्था के अध्यायों के क्रम में आज हम पढ़ेंगे उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के बारे में हम जानेंगे, आज महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में जानेंगे, उनके क्षेत्राधिकार के बारे में जानेंगे, उनकी नियुक्ति के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज हम उच्चतम न्यायालय के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी भारत की जो न्यायपालिका है, न्याय व्यवस्था है, वो एकल व्यवस्था है। एकल व्यवस्था हमारी भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। जैसे अमेरिका के विपरीत अमेरिका में द्वैत शासन व्यवस्था है, द्वैत न्याय व्यवस्था है। जैसे कि राज्य के लिए अलग है और केंद्र के लिए अलग है, संघ के लिए अलग है। ठीक है, संघ और राज्य के लिए, दोनों के लिए अलग अलग है, लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं है। भारत के अंदर एकल व्यवस्था है। एकल व्यवस्था का तात्पर्य होता है कि सबसे ऊपर हमारा जो न्यायालय का है, सबसे पहले सबसे ऊपर हमारा उच्चतम न्यायालय आता है, सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे उसके अधीनस्थ आता है हाई कोर्ट, और उसके अधीनस्थ अन्य जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय भी आते हैं। तो ये एकल व्यवस्था हुई, मतलब सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, तो ये व्यवस्था हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली है, लेकिन अमेरिका में इसके विपरीत है, क्योंकि संघ के लिए अलग है और राज्य के लिए अलग अलग, दोनों के लिए न्यायपालिका की व्यवस्था है। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे हमारी एकल न्याय व्यवस्था है और कहाँ से लिखी है, भारत सरकार अधिनियम, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। ठीक है, ये ज़्यादा वैसे महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि भारत के अंदर उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था 1950 को हुई। और जो उच्चतम न्यायालय की संदर्भों का अध्ययन अगर हम करेंगे, तो भारत के संविधान में भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लगा के 147 तक इनका वर्णन किया गया है। इनकी शक्तियाँ, विशेषाधिकार और न्याय क्षेत्र इत्यादि का हम अध्ययन इन अनुच्छेद 124 से 147 तक करते हैं। ओके, तो भारत के उच्चतम न्यायालय ने ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया। इससे पहले जब उच्चतम न्यायालय नहीं था भारत के अंदर 1950 से पहले, तो ये प्रीवी काउंसिल हुआ करता था, जो सर्वोच्च अपील न्यायालय था, मतलब सबसे ऊँचा अपीलीय न्यायालय। ओके, आज के समय में हम देखेंगे कि कुल 31 न्यायाधीश हैं भारत के उच्चतम न्यायालय में, जिसके अंदर 30 अन्य न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है। इससे पहले ये 26 थे, जिसमें 2009 में इनकी संख्या बढ़ाई गई, 26 थे, जिसमें 25 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश था। ठीक है, संविधान में मूल रूप से कुल 8 जजे हुआ करते थे, 8 जज में 7 तो अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे और एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे मूल रूप से कितने थे, 8 थे, 7 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, और 2009 में ही इनकी संख्या बढ़ाई है 31। हालांकि आज भी हमारा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एकदम न्यायाधीशों की कमी से जूझ रहा है ना। आगे हम देखते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति देखेंगे हम, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति कैसे करता है, राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका क्या होता है, वो अन्य न्यायाधीश होते हैं उच्चतम न्यायालय के एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श करता है, सलाह करता है, उसके बाद ही कोई निर्णय लेता है। और ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति का मतलब अपने विवेक से नहीं लेगा, राष्ट्रपति हमेशा, आपको पता है कि कार्यपालिक प्रमुख होता है, तो आप देखेंगे कि राष्ट्रपति हमेशा अपने कैबिनेट की सलाह के बाद ही कुछ निर्णय लेगा। ठीक है, तो इसके बाद में आपको देखेंगे कि अन्य न्यायाधीशों से सलाह करनी पड़ेगी राष्ट्रपति को, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सलाह करने के बाद ही न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। अब ध्यान रखेंगे, अब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात आएगी सुप्रीम कोर्ट में, तो हम देखेंगे कि वो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा। अगर देखेंगे आप, देखो सबसे पहले क्या किया राष्ट्रपति ने, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कर दिया। ओके, देन अब माना 30 अन्य न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति 30 में से अगर माना 25 पोस्ट खाली है, 10 पोस्ट खाली है, ठीक है, तो अब उनकी नियुक्ति करनी है, तो उनकी नियुक्ति के लिए क्या करेगा राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा। अब मुख्य न्यायाधीश किससे परामर्श करेगा, मुख्य न्यायाधीश अपने 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद ही कुछ निर्णय देगा। ठीक है, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से जो सुप्रीम कोर्ट में है उनसे परामर्श करेगा। अगर 2 भी किसी मत के पक्ष में नहीं है, तो उस व्यक्ति के बारे में सिफारिश नहीं की जा सकती है ना। और ध्यान देंगे, अगर मुख्य न्यायाधीश बिना सिफारिश के, अपने 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के बिना परामर्श के अगर कोई सिफारिश भेजता है राष्ट्रपति को, तो सरकार उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान रखेंगे। मैंने महत्वपूर्ण फैक्ट को समराइज कर दिया है और आपके लिए स्लाइड बना दी है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे, याद करने में आसानी रहे। ठीक है, आपका एक तरीके से ये रिविजन कोर्स है। ओके, न्यायाधीशों की अर्हताएं क्या होनी चाहिए, न्यायाधीश कौन बनने योग्य है, तो सबसे प्रथम तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, क्योंकि जब भारत के
उच्चतम न्यायालय के या भारत की न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पे अगर वो व्यक्ति प्रतिष्ठित होना चाहता है तो उसे भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, किसी दूसरे विदेश का व्यक्ति नहीं बन सकता, समझ रहे ना आप। तो और योग्यता क्या क्या होनी चाहिए इसके अलावा, कम से कम 5 वर्ष तक उसने हाईकोर्ट का न्यायाधीश रहा हो, या ध्यान रखेंगे 5 वर्ष तक हाईकोर्ट का न्यायाधीश रहा हो, या उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालय में मिला के 10 वर्ष तक वो वकील रहा हो, ध्यान रखेंगे वकील रहेगा उच्च न्यायालय, जरूरी नहीं है कि उच्च न्यायालय में, विभिन्न न्यायालयों में, ठीक है, तो वो वकील रहेगा तो वो बन सकता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, ठीक है। या राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रख्यात न्यायवादी होना चाहिए, अगर राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रख्यात न्यायवादी भी है तो उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का पद दिया जा सकता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन ये एक फैक्ट है यहाँ पर, ये प्रख्यात न्यायवादी सिर्फ उच्चतम न्यायालय के लिए है, अगर अपन अगली बार अपन हाईकोर्ट भी पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय पढ़ेंगे, लेकिन उच्च न्यायालय में ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि प्रख्यात न्यायवादी को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकता, ध्यान रखेंगे सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही प्रख्यात न्यायवादी को बनाया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कार्यकाल इसका 65 वर्ष तक होता है, ठीक है, 65 वर्ष तक, जब तक जब से नियुक्ति की जाती है उनकी न्यायाधीशों की, तो वो 65 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की 65 वर्ष तक अपना कार्यकाल पूरा कर सकता है। उसके बाद अगर त्यागपत्र देना चाहते हैं अगर न्यायाधीश, तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे, शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाएगा, या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति द्वारा, है ना। न्यायाधीशों को हटाने के लिए उसका दुर्व्यवहार या कदाचार आधार हो सकता है, ठीक है, हाँ ध्यान रखेंगे, अगर न्यायाधीश को हटाना है तो उसके हटाने के लिए राष्ट्रपति आदेश पारित करेगा, राष्ट्रपति आदेश कब पारित करेगा, जब दोनों सदनों में लोकसभा एवं राज्यसभा में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है, जिसे हम महाभियोग का नामकरण दिया है, ओके। अब देखेंगे न्यायाधीशों को पद से हटाना है, न्यायाधीशों को पद से हटाना है तो पहले सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी न्यायाधीश हो, ये हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं, है ना, लेकिन अगर हाई कोर्ट के न्यायाधीश को भी हटाना है तो यही प्रक्रिया होगी, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए भी इसी प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में न्यायाधीशों को हटाने का जो ओपन किया है महाभियोग को ओपन, जिसको मैंने यहाँ पर समराइज कर दिया है, सबसे पहला कदम क्या होता है कि अगर किसी न्यायाधीश को हटाना है तो सबसे पहले लोकसभा में, लोकसभा के 100 सदस्य 100 सांसद, है ना, स्पीकर को एक प्रस्ताव हस्ताक्षर करके देंगे, जिसको हम निष्कासन प्रस्ताव नाम दिया है, ठीक है, या 50 राज्यसभा सदस्य 50 राज्यसभा सांसद अपने सभापति को हस्ताक्षर करके एक प्रस्ताव देंगे, जिसको अध्यक्ष, या तो अध्यक्ष को देंगे या सभापति को देंगे, अगर लोकसभा का मामला है तो अध्यक्ष को देंगे, राज्यसभा का मामला है तो सभापति को देंगे, ठीक है, तो इसको निष्कासन प्रस्ताव कहेंगे, और निष्कास ये अध्यक्ष या सभापति का विवेकाधिकार है कि वह इसे स्वीकार करे या नहीं, ठीक है, तो वो स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार, पहला हमने पढ़ा, दूसरा पढ़ा, पहली स्टेप क्या थी, लोकसभा के 100 सांसद या राज्यसभा के 50 सांसद हस्ताक्षर करके स्पीकर या सभापति को अपना प्रस्ताव देंगे, जिसको निष्कासन प्रस्ताव कहेंगे, और अध्यक्ष या सभापति का ये विवेकाधिकार है कि वह इस प्रस्ताव को शामिल करे या नहीं, ओके, अस्वीकार भी कर सकते हैं। अगर चलो अगली स्टेप पे आते हैं, ठीक है, अगली स्टेप ये है कि अगर अध्यक्ष या सभापति इस निष्कासन प्रस्ताव को शामिल या स्वीकार कर लेता है तो उसके बाद में क्या करेंगे, वो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी, 3 सदस्यीय समिति में, समिति में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे या अन्य न्यायाधीश होंगे, और दूसरे कौन होंगे, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, तीसरे कौन होंगे, प्रतिष्ठित न्यायवादी होंगे, ये ध्यान रखेंगे। अगर अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पे ही अगर महाभियोग चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस समिति के सदस्य नहीं हो सकते, है ना, ये एक सेंस ऑफ ह्यूमर की बात है, तो कौन होगा, कोई अन्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के होंगे, उनको इस कमेटी का सदस्य बनाया जाएगा, ठीक है, और अगर अन्य न्यायाधीश हैं तो सीधी सी बात है मुख्य न्यायाधीश समिति के मेंबर हो सकते हैं, है ना, ध्यान रखेंगे इस समिति के मेंबर, इस पर भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न बनता है, बिल्कुल बनता है कि इस समिति में ये पूछ सकते हैं कि न्यायाधीशों को पद से हटाते वक्त एक सदस्य, 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है, उसमें कौन कौन सदस्य हो सकते हैं या कौन कौन सदस्य नहीं है, तो हमको ध्यान रखेंगे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं, और प्रतिष्ठित न्यायवादी भी हो सकते हैं। तो हमने 3 स्टेप पढ़ी। चौथी स्टेप, अगर कमेटी दोषी पाया जाता है कमेटी द्वारा वो व्यक्ति, वो न्यायाधीश, तो क्या करेंगे कि इसको प्रस्ताव को सदन में भेज देंगे। सदन में भेजने के बाद क्या करेंगे, अगर सदन में यह विशेष बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकते हैं, ठीक है।
तो मैंने आपको बताया कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना है तो ये महाभियोग का प्रोसेस है, 5 स्टेप प्रोसेस है। मैं आपको फटाफट से वापस से बता देता हूँ, आपको रिवाइज करने में ध्यान रखेंगे, दोनों के लिए है ये, हाई कोर्ट के जजों के लिए और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए यही महाभियोग प्रस्ताव है। ओके, ये ध्यान रखेंगे, सेम प्रोसेस डिट्टो है ना। तो कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ, पहली स्टेप 100 लोकसभा सांसद या 50 राज्यसभा सांसद अपने अध्यक्ष या सभापति को एक निष्कासन प्रस्ताव हस्ताक्षर करके देंगे, अध्यक्ष या सांसद दूसरा स्टेप उसको स्वीकार करने के लिए या शामिल करने के लिए अधिकार प्राप्त है उसको, अगर शामिल किया जाता है तो तीसरे स्टेप पे आते हैं हम। तीसरा स्टेप 3 सदस्यीय समिति बनाई जाती है, 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं, एक होता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, दूसरा हाई कोर्ट के न्यायाधीश और तीसरा प्रतिष्ठित न्यायवादी। ओके, कमेटी द्वारा दोषी पाए जाने पर सदन प्रस्ताव शामिल कर सकता है। चौथा स्टेप, अगर विशेष बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति इसे पद से हटा सकते हैं। तो 5 स्टेप प्रोसेस है महाभियोग के लिए, 5 बिंदु का प्रोसेस है, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस है ये, मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी। ओके, और ये भी ध्यान रखेंगे, अब तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को अब तक नहीं हटाया है महाभियोग लगा के, हालांकि महाभियोग का प्रोसेस लगाया था जो वी रामास्वामी थे, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, उनको लगभग उन्होंने 1993 के आसपास शायद है ना, तो उन पर महाभियोग लगाने की शुरुआत की थी, लेकिन लोकसभा में वह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था इसलिए महाभियोग नहीं लग पाया था है ना। और अब तक किसी भी उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ओके, देन हम देखेंगे तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है, कि अगर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का कोरम अगर अधूरा रहता है तो क्या करते हैं, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति और जिस हाई कोर्ट से हम उस न्यायाधीश को लेंगे, उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद में उस हाई कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है एज अ तदर्थ न्यायाधीश। देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ, आपको शायद समझ में नहीं आया हो, कि जैसे राजस्थान के अगर सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय को लगता है कि यार एक हमारा कोरम अधूरा है, ठीक है, एक न्यायाधीश की जरूरत है, तो वो क्या करेंगे, वो चाहते हैं कि राजस्थान से किसी न्यायाधीश को लें, तो राजस्थान के किसी न्यायाधीश को लेंगे तो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश से वो परामर्श करेंगे और राष्ट्रपति से पूर्व में सहमति ले लेंगे, उसके बाद में जो कोई भी अमुक व्यक्ति है राजस्थान के न्यायाधीश हैं तो उनको वहाँ पर तदर्थ न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे कि उस व्यक्ति की कंसेंट लेना जरूरी नहीं है, उस न्यायाधीश की सहमति लेना जरूरी नहीं है जिसकी हम नियुक्ति करने जा रहे हैं तदर्थ न्यायाधीश के तौर पर। ओके, महत्वपूर्ण फैक्ट बताया आपको मैंने, याद रखेंगे इसको। अब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होता है, कि अगर लगता है राष्ट्रपति को पता चलता है कि या राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि अगर कोई मुख्य न्यायाधीश सक्षम नहीं है अपने दायित्व का निर्वहन करने में, या फिर उसका पद रिक्त हो है ना, या फिर उसकी मृत्यु हो गई हो, अनुपस्थित हो, कुछ भी कारण से रहा हो, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकते हैं। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को, चाहे वो हाईकोर्ट का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, उनसे अनुरोध कर सकते हैं कि आप उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर काम कीजिए कुछ समय के लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या प्रावधान है, उस व्यक्ति से पूर्व सहमति लेनी पड़ेगी, तभी जाके उसको हम एज अ सेवानिवृत्त न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन है ना, एक बात और ध्यान रखेंगे आप, कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर उसको नहीं माना जाएगा, उच्चतम न्यायालय उसके पास सारे अधिकार होंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के, लेकिन उसको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर नहीं माना जाएगा। ओके, देन हम आगे देखेंगे, आगे हम उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है हमारे, उसका हेडक्वार्टर है, मुख्य पीठ है, वो दिल्ली में स्थापित है ना। और दिल्ली के अलावा अगर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चाहें तो और कहीं भी इस पीठ को स्थापित कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए राष्ट्रपति से पूर्व सहमति लेनी पड़ती है। हालांकि यह कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्था है, कोई अनिवार्य नहीं है कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और वो चाहते हैं कि दिल्ली से और कहीं इनकी मुख्य पीठ स्थापित की जाए तो राष्ट्रपति से परामर्श करें ही करें, ठीक है, ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है, अनिवार्य नहीं है, है ना, समझ रहे ना। तो उसके बाद हम देखते हैं
उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता, उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता आप देख रहे हैं कि नियुक्ति का पहला नंबर, नियुक्ति का तरीका ही कुछ इस प्रकार है कि हम उच्चतम न्यायपालिका एक स्वतंत्रता महसूस करती है। जैसे कि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, आपको पता है कार्यपालिका से हालांकि दूर रहता है ये, है ना, क्योंकि ये न्यायिक सदस्यों के परामर्श के बाद ही नियुक्ति की जाती है, तो इसमें कार्यपालिका हस्तक्षेप कम रहता है ना, तो उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता आप एकदम सुनिश्चित कर सकते हैं। कार्यकाल की सुरक्षा रहती है, हालांकि इसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं लेकिन राष्ट्रपति की दया पर निर्भर नहीं रहते हैं। आपको पता है कि महाभियोग का प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाया, महाभियोग के द्वारा ही इनको पद से विमुख किया जा सकता है, इसलिए कार्यकाल की पूरी स्वतंत्रता रहती है। जैसा कि आपको पता है कि अब तक किसी मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया जा सका। ओके, निश्चित सेवा शर्तें होती हैं जो संसद द्वारा निर्धारित होती हैं, वेतन भत्ते सेवा शर्तें विशेष अधिकार जो सब संसद निर्धारित करते हैं, हालांकि इनमें कटौती नहीं की जा सकती, और संचित निधि से व्यय, इनका जो भी व्यय होता है सुप्रीम कोर्ट का, उनके कार्यालय का, उनके न्यायाधीशों का, वो सब संचित निधि, भारत की संचित निधि से व्यय होता है, जिससे इन पर कोई दबाव ना हो, है ना, और फ्रीली ये काम कर सके स्वतंत्र रूप से। ओके, न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती, आप ध्यान रखेंगे न्यायाधीशों के आचरण पर कहीं भी बहस नहीं हो सकती, सिवाय अपवाद है महाभियोग का, जब तक महाभियोग का प्रोसेस चल रहा है तो वहां पर तो लाजमी है न्यायाधीशों के आचरण पर बहस, ध्यान रखेंगे न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती। सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक है, क्योंकि अगर वो निर्णय दे रहा है तो भविष्य का ध्यान ना रखे, इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक लगाई गई है। ओके, अवमानना पर दंड देने की पूरी शक्ति है इनके पास। उसके बाद हम देखते हैं अपने स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता। उच्चतम न्यायालय अपने स्टाफ को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है, जिससे कि कार्यपालिका हस्तक्षेप ना हो, है ना। उसके बाद में देखते हैं इसकी न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती, बिल्कुल नहीं की जा सकती, ये संविधान में भी लिखा हुआ है ना। कार्यपालिका से पृथककरण, आपको पता है पूर्ण रूप से कार्यपालिका से ये पृथक है। ओके, अब उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार हम पढ़ेंगे एक एक करके, ध्यान रखेंगे मूल क्षेत्राधिकार पढ़ेंगे, न्यायिक क्षेत्राधिकार पढ़ेंगे, अपीलीय क्षेत्राधिकार पढ़ेंगे, सलाहकार क्षेत्राधिकार पढ़ेंगे, अभिलेख का न्यायालय है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, और अन्य शक्तियों के बारे में भी जानेंगे। ओके, सबसे पहले हम मूल क्षेत्राधिकार के बारे में जानते हैं। मूल क्षेत्राधिकार, अगर देखेंगे हम कोई भी संघीय विवाद आता है संघ से संबंधित, या फिर दो राज्यों के बीच में विवाद, या केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद, तो ये इनके बारे में निर्णय देने का अधिकार केवल उच्चतम न्यायालय को ही है और किसी न्यायालय को नहीं, है ना, तो ये इनका मूल क्षेत्राधिकार है। और इसमें अपवाद भी हैं, आपको अपवाद ज़्यादा महत्व, क्योंकि एक्सेप्शन आते हैं वहीं से क्वेश्चन बनने की संभावना और ज़्यादा हो जाती है, तो हमको एक्सेप्शन याद रखने हैं। अपवाद बहुत महत्वपूर्ण है, पहला अपवाद मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, पूर्व संवैधानिक संधि या समझौता अगर ऐसा होता है तो ये उनके लिए, ये उनका न्याय क्षेत्र में नहीं आते हैं। ओके, अंतर्राज्यीय जल विवाद, यह भी नहीं आता है, वित्त आयोग से संबंधित मामले नहीं आएंगे इनके न्याय क्षेत्र में, केंद्र और राज्यों के बीच अगर कुछ खर्चों एवं पेंशन का समझौता है वो भी नहीं आएगा इनके क्षेत्राधिकार में, केंद्र राज्यों के बीच वाणिज्यिक प्रकृति का साधारण विवाद ये भी नहीं आएगा। ओके, केंद्र के खिलाफ किसी राज्य की किसी नुकसान की भरपाई, ये भी काउंट नहीं होगा। तो आप देखेंगे वाणिज्यिक प्रकृति के जितने भी मामले, वाणिज्यिक वित्त पेंशन खर्चे, तो वो उनके क्षेत्राधिकार से बाहर रखे गए हैं, मूल क्षेत्राधिकार से बाहर रखे गए हैं। और एक अंतर्राज्यीय जल विवाद याद रखना है आपको, और कौन सा याद रखना, पूर्व संवैधानिक संधि या समझौता। लेकिन आप देखेंगे अगर आप रोज डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अंतर्राज्यीय जल विवाद कैसे मूल क्षेत्राधिकार से अलग है, लेकिन हमने तो हालांकि देखा है कि कई कावेरी जल विवाद और इनमें सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया, लेकिन ये तो उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। तो उसके बारे में आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं आपको इसी लेक्चर में बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। ओके, देन देखेंगे न्यायाधीश का क्षेत्राधिकार। न्यायाधीश देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है नागरिकों के मूल अधिकार का रक्षक एवं गारंटर है, ध्यान रखेंगे। अगर आपके किसी भी नागरिक के मूल अधिकार का हनन होता है तो सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, उच्च न्यायालय में भी जा सकता है, और उच्च न्यायालय उस क्योंकि इसका मूल क्षेत्राधिकार है नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना, तो उनको वो करेंगे, ठीक है। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकते हैं, परमादेश कर सकते हैं, उत्प्रेषण कर सकते हैं, प्रतिषेध कर सकते हैं, अधिकार प्रत्याहार रिट कर सकते हैं, हम एक एक करके इनको भी विस्तृत अध्ययन करेंगे। ओके, सीधे अगर आपका हनन होता है हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि उच्चतम न्यायालय में सिर्फ मूल अधिकारों के लिए ही नागरिक जा सकता है। अगर
तुलना की जाए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र न्यायाधीश न्याय क्षेत्र के मामले में अधिक है। क्यों है? क्योंकि उच्च न्यायालय में आप मूल अधिकारों का हनन होने पर तो जा ही सकते हैं, लेकिन अन्य कोई भी मामला हो, कोई भी इसके अलावा भी कुछ भी मामला हो, तो आप सीधे उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो इस क्षेत्र में आप देखें कि न्यायाधीश न्याय क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट की तुलना में हाई कोर्ट का न्यायिक अधिकार न्याय क्षेत्र ज़्यादा है। ओके, अपील क्षेत्र अधिकार देखेंगे। संवैधानिक, आपको पता है संवैधानिक मामलों में अगर अपील करनी है तो हम उच्चतम, आपको पता है ये अपीलीय क्षेत्र अधिकार अपीलीय न्यायालय है, जैसा कि प्रीवी काउंसिल की जगह ली है उसने। तो संवैधानिक मामलों में अगर अपील करनी है, किसी भी न्यायालय के निर्णय को चुनौती देनी है उसको छोड़ कर, सैन्य मामलों वगैरह को छोड़ के, तो जा सकते हैं हम उच्चतम न्यायालय में। दीवानी मामलों में अपील, आपको पता है दीवानी मामलों में जा सकते हैं, आपराधिक मामलों में जा सकते हैं, विशेष अनुमति द्वारा अपील भी की जा सकती है, इसको ध्यान रखेंगे। इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि आप आपराधिक मामलों में जानते हैं कि अगर किसी को 10 साल की सजा हुई है, ठीक है आप चले जाएंगे, किसी को फांसी की सजा हुई है, नहीं है, चैलेंज कर देंगे सुप्रीम कोर्ट में, है ना। दीवानी मामलों में भी ऐसा होता है और संवैधानिक मामलों में ऐसा होता है। विशेष अनुमति द्वारा अपील को हम पढ़ेंगे, ये आर्टिकल नंबर 136 से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 136 में क्या है कि आर्टिकल नंबर 136 संविधान द्वारा यह कहता है, आर्टिकल नंबर 36 उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार प्रदान करता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी न्यायालय के खिलाफ या पंचायत के खिलाफ अगर हम संतुष्ट नहीं हैं तो हम उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी न्यायालय के खिलाफ या पंचायत के खिलाफ निर्णय के खिलाफ हमको जाना है तो ये आर्टिकल नंबर 136 के तहत हम विशेष अनुमति द्वारा अपील से उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, ध्यान रखेंगे। लेकिन एक बात और है, सैन्य अदालतों के मामले में नहीं जा सकते और सब में जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में पूछा था, मैंने आपको बताया था कि भाई अंतर्राज्यीय जल विवाद जो कि उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है, फिर भी उन पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिए हैं, तो इसका क्या कारण है? वो आर्टिकल 136 मेरे हिसाब से, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, आर्टिकल 136 ही इसका रीजन है। ओके, देन हम देखेंगे आगे, सलाहकार क्षेत्राधिकार आर्टिकल नंबर 143 उच्चतम न्यायालय को सलाहकार क्षेत्राधिकार भी प्रदान करता है, जैसे कि दो मामलों में ये सलाह देंगे, एक तो सार्वजनिक महत्व के मामलों किसी मामले में विधिक प्रश्न उठने पर और दूसरा पूर्व संवैधानिक संधि या समझौते के किसी विवाद पर। लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे, सार्वजनिक महत्व के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए, अपना मत देने के लिए बाध्य नहीं है, वो दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन पूर्व संवैधानिक या संधि या समझौते के किसी विवाद पर बात आती है तो उनको राष्ट्रपति को सलाह देनी ही पड़ेगी। लेकिन एक बात और ध्यान रखें कि सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नोट मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना, याद रखेंगे आप। उच्चतम दूसरे मामले में जो कि ये पूर्व संवैधानिक संधि या समझौते के किसी विवाद पर उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को अपना मत देना अनिवार्य है, समझ में आई बात। ये आर्टिकल नंबर 143 सलाहकार क्षेत्राधिकार थे उनके। देन हम देखेंगे अभिलेखों का न्यायालय है, आपको पता है कि उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही निर्णय फैसले हमेशा अभिलेख साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे और उनके इन अभिलेखों को हम कैटेगरी में खड़े नहीं कर सकते, उनको एक साक्ष्य के तौर पर, उनको एक संदर्भ के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा भविष्य में भी। अगर अवमानना की जाती है तो 6 वर्ष की सामान्य जेल और 2000 रुपये तक का अर्थदंड दोनों शामिल है, ध्यान रखेंगे। यह अधिकार उच्च न्यायालय और उनके अधीनस्थ न्यायालय को भी है। ओके, देन देखेंगे न्यायिक समीक्षा की शक्ति। उच्चतम न्यायालय को केंद्र एवं राज्य के दोनों स्तर पर विधायी एवं कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच की शक्ति प्राप्त है। ओके, जैसा कि हम उदाहरण के देखेंगे, गोलकनाथ मामला 1967 हो, चाहे बैंक राष्ट्रीयकरण मामला 1970 हो, गुप्त धन निवारण मामला 1971 हो, केशवानंद भारती मामला 1973 हो, मिनवा मिल्स मामला 1980 हो, इनमें न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश थी और इन्होंने की, है ना। लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे, न्यायिक समीक्षा जो शब्द है संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं, कहीं भी लिखित नहीं है, लेकिन इनके स्पष्ट उपबंध भी हैं। ठीक है, न्यायिक समीक्षा शब्द नहीं है कहीं पर भी। ओके, लेकिन इनके उपबंध हमें शक्ति देते हैं। ओके, अन्य शक्तियां देखेंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में अगर विवाद आता है तो उच्चतम न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आएगा। ये यूपीएससी
जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के व्यवहार एवं आचरण की जांच करता है। इनके जब भी अगर मामला आता है इन पर इनको हटाने के लिए तो जांच हमेशा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को भेजी जाती है और वह सिफारिश करता है राष्ट्रपति को। लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति इस सिफारिश को मानने के लिए बाध्य है, ये एक एडिशनल फैक्ट है, आप याद रखेंगे। यूपीएससी के सदस्यों का अगर व्यवहार और आचरण की जांच करनी है तो राष्ट्रपति सिफारिश क्यों नहीं करेगा, उच्चतम न्यायालय को करेगा, और जो अगर सिफारिश की है वो मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हैं। ओके, अपने फैसलों की समीक्षा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर उनको एहसास होता है कि नहीं ये फैसले उस संदर्भ में उस समय के अनुसार सही थे लेकिन आज इनको बदलने की ज़रूरत है, जैसा कि आप देख रहे हैं राइट टू प्राइवेसी में भी किया है, आपने देखा कि खड़ग सिंह मामले में राइट टू प्राइवेसी में उच्चतम न्यायालय और अन्य न्यायालयों का निर्णय कुछ अलग थे, खड़ग सिंह मामला है तो इनमें, लेकिन आज देखेंगे आप राइट टू प्राइवेसी का जो डिसीजन आया है तो स्वयं के फैसलों को समीक्षा कर सकते हैं। इससे यही तो हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि आपको अड़िग रहना है, आपने अगर उस समय ठीक है इंटरनेट का ज़माना नहीं था तो राइट टू प्राइवेसी का इतना वो नहीं था, लेकिन आज वो वक्त आ गया है कि राइट टू प्राइवेसी होना ज़रूरी है ना। तो उस प्रकार के जो फैक्ट हैं आप देख रहे हैं कि समीक्षा की है उन्होंने, अपने निर्णयों की समीक्षा की है, तभी उन निर्णयों को बदला है, पलटा है, तभी जाके यह निर्णय दिया है उन्होंने। तो ये राइट टू प्राइवेसी से आपको पता चल रहा है कि समीक्षा की शक्ति है स्वयं के फैसलों को, और इसकी विधियां भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्य होंगी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय में लंबित पड़े किसी मामले को अपने पास मंगवा सकता है या किसी एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर सकता है। तो ये इसकी अन्य शक्तियां थी, हमने बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट जाने, महत्वपूर्ण बातें जानी उच्चतम न्यायालय के बारे में, है ना, आप उनको याद रखेंगे और ये हमारी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में सहयोगी होंगी। तो आज के लिए इतना ही।